सो गाइस, अगर आप लोग भी जियो की सिम इस्तेमाल करते हैं और आपका जो इंटरनेट है वो बहुत ही स्लो चलता है, जैसे कि मैं भी गांव से हूं और जो हमारा इंटरनेट है जियो का बहुत ही स्लो चलता है, लेकिन यहां पर हमने कुछ सेटिंग फॉलो करी है जिसकी वजह से आप यहां पर देख सकते हैं इंटरनेट हमारा 5G की स्पीड में चलेगा। पहले कुछ ऐसा हमारा चलता था, लेकिन हमने कुछ सेटिंग फॉलो करी है, बाद में आप इसका कमाल देखिएगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बिल्कुल स्लो चल रहा है, जैसे कि डाटा चल ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं अपलोडिंग स्पीड आपको गेन करके दिखाऊंगा, क्योंकि गांव में होते हैं कई सारे लोग सोशल मीडिया पर वीडियोज अपलोड करते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर कम से कम 10 Mbps जाएगी, 5 Mbps जाएगी अपलोडिंग स्पीड हमारी जियो की, जैसे कि देख पा रहे हैं ये हमारी 13 पॉइंट डाउनलोड स्पीड है, ठीक है। और यहाँ पर अपलोडिंग की स्पीड आपको दिखा के देते हैं, ये देखिए ये हमारी अपलोडिंग स्पीड है, अभी कुछ आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी, जो कि 1 Mbps के आपको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। अभी आपको इसको गेन करके दिखाएंगे कि आप इसमें ज़्यादा Mbps की स्पीड कैसे गेन कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए सिर्फ आपको एक सेटिंग फॉलो करनी है कि डाउनलोड की बढ़ानी है तो कैसे बढ़ानी है, अपलोड की बढ़ानी है तो कैसे बढ़ानी है। इसके लिए देखिए आपको आना है मोबाइल की सेटिंग में, सबकी सेटिंग है लेकिन मेरी नहीं, ठीक है। तो मोबाइल की सेटिंग में आइए और यहाँ पर आप लोगों को कनेक्शन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करिए। फिर उसके बाद देखेंगे मोबाइल नेटवर्क का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा। तो देखिए यहाँ पर अभी हमारा जो नेटवर्क था पहले 3G में था, और यहाँ पर हमने 5G नेटवर्क को सेलेक्ट करके रखा हुआ है। हमारा जो जियो का सिम है ये 5G में चल रहा है और बाकी सभी का 4G में चल रहा है, क्योंकि ये 5G फ़ोन 5G सिम है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते 5G LTE 4G 3G चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक्सेस पॉइंट नेम में आना है, और यहाँ पर देखिए ये APN मेरा अभी चल रहा है और इस APN को मैंने अभी सेट नहीं किया है। इसमें ऐसा क्या क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर नेम में आप दीजिएगा जियो 5G, और यहाँ पर जो APN है इसको आपको सेट करना है www.com, जो कि कैपिटल में होना चाहिए। प्रॉक्सी नो सेट, पोर्ट नो सेट, यूजर नेम नो सेट, पासवर्ड नो सेट, सर्वर नो सेट, MMSC नो सेट, MMS प्रॉक्स नो सेट, यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन, इनको आपको सेट नहीं करना है, बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, ठीक है। अगर छेड़ देते हैं तो आपकी ये साइटिंग गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। आप थोड़ा सा नीचे आइए, डिफ़ॉल्ट में आपको यहाँ पर ये कैपिटल में डिफ़ॉल्ट सेट करना है, और यहाँ पर एटोकेशन टाइप का जो दिख जाएगा इसमें आपको ये चेप वाला नीचे ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पर प्रोटोकॉल रूमिंग वाला है, जो कि आप इनमें IPv4 IPv6 जरूर रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद ये आपका डिसेबल हो जाएगा, और यहाँ पर डिसेबल होने के लिए आपको BRN में आना है और यहाँ पर इन सारे ऑप्शन को टिक कर देना है। ये दो काम हो गए आपके, जो कि इनमें ज़रूरी करने हैं आपको। और यहाँ पर नेटवर्क का दिख जाता है, यहाँ पर IMSI डाल देंगे, ठीक है। नॉन पे सेलेक्ट करेंगे, नेटवर्क स्लो आएगा, IMSI डाल देंगे, और यहाँ पर आपको बैक कर लेना है, इनको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको जो अपना फ़ोन होता है ना, एक बार दोस्त रोबोट ज़रूर कर देना है, ठीक है। जैसे आप इनको रोबोट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर हमारे सैमसंग में यहाँ से होता है, तो यहाँ से हम रोबोट इनको ज़रूर कर देंगे। रोबोट करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर एक नंबर पर कॉल करनी है 198 पर, ठीक है, अपनी जियो के नंबर से। जैसे आप इस पर कॉल करते हैं, अब मैं आपको इसकी स्पीड से करा देता हूँ, क्योंकि आपको ये एक्टिवेट भी करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर हो चुका है, आपको यहाँ पर स्पीकर पर डाल देता हूँ। आपका आखिरी रिचार्ज 181 रुपये का 18 मार्च 2023 को। ओके, इतना हो जाए आपका। उसके बाद हुआ था, हम यहाँ पर कॉल को डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आपका वर्तमान डेटा बैलेंस 29.32 GB। कॉल को डिस्कनेक्ट करने वाले हैं, बस इतना करना है आपको। इसके बाद क्या करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जियो स्पीड है, इसको दोबारा से ऑन करना है। अब यहाँ पर आप इसकी स्पीड टेस्ट करिएगा, आपको बेहतर स्पीड देखने के लिए मिलेगी। ऐड आता है, ऐड को क्लोज करिएगा और इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी स्पीड है अपलोडिंग की बेस्ट मिलेगी, और यहाँ पर डाउनलोडिंग की भी बेस्ट मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाएगी, अगर फिर भी कम दिखती है तो आप 198 नंबर पर कुछ टाइम के लिए, जैसे कि कस्टमर से शिकायत कर देंगे, आपको एक स्पीड बेस्ट मिलेगी। पहले 5, 10, 10 था, अब देखते हैं स्पीड 11 तक जाएगी हमारी डाउनलोडिंग, देखते हैं कितनी जाती है अभी। और कोई भी एक्टिविटी करेंगे इसके साथ में तो हमारी अच्छी खासी जाएगी। देखिए डाउनलोडिंग की थोड़ी कम हुई, अब अपलोडिंग की देखिए 5, 6, 7 MBS जाएगी आपकी। और यहाँ पर कई बार तो आपकी 20 MBS तक पकड़ जाती है स्पीड, 1 MB भी चली जाती है। मैं यहाँ पर 2-2, 3-3, 4-4 MB की स्पीड यूज़ करता हूँ, जैसे कि देख सकते हैं अभी हमारी 7.26 MBPS की स्पीड अभी देखने के लिए मिल रही है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल लाइव है, आपके सामने किया है जो सेटिंग, जो कि आप लोग फॉलो करिएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।